हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, दिस इज राहुल बारिक एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नाशपाती लगाने से लेकर के उसमें अच्छी ग्रोथ आने तक कि किस प्रकार का अपडेट रहा है। ये सारी अपडेट आपको आज के इस वीडियो द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक हॉट क्लाइमेट नाशपाती का पौधा है। अगर आप भी नाशपाती का पौधा लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका नाशपाती का पौधा फल दे, तो एक वैरायटी है नाशपाती की, इसका नाम है पंजाब ब्यूटी। दोस्तों, पंजाब ब्यूटी एक ऐसी नाशपाती है जो गर्म क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से हो जाती है, तो आप इस वैरायटी को चुनें। पंजाब ब्यूटी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। पंजाब ब्यूटी का जो फल का जो कलर आता है वो हल्का सा रेडिश ब्लश रहता है और ग्रीन रहता है। किसान भाइयों, हम जब भी किसी फल की कमर्शियल खेती करने की चाहत रखते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये उत्पादन कितना देगा। तो दोस्तों, इसका जो एवरेज उत्पादन रहता है ये 80 केजी प्रति पौधा उत्पादन दे सकता है, और इससे भी अगर अच्छा उत्पादन मिल सकता है, अगर हमारी जो देखभाल है देखरेख है पौधे के प्रति अच्छा रहे, तो इससे भी ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। पंजाब ब्यूटी पियर या नाशपाती एक सेमी सॉफ्ट वैरायटी है, यानी कि ना ही पूरी तरह से सॉफ्ट है ना ही पूरी तरीके से हार्ड है। दोस्तों, इसको सेमी सॉफ्ट कहा जाता है। पंजाब ब्यूटी नाशपाती की जो बढ़वार रहती है ये अपराइट ज़्यादा ग्रोथ करती है, यानी कि ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़वार करती है, और इसमें फल हर साल लगते हैं, ना कि आम जैसा नहीं होता है। आम में क्या होता है कि एक साल फल लगते हैं और एक साल नहीं लगते हैं, तो इस प्रकार नहीं है, और ना ही एप्पल जैसा है। एप्पल में भी ऐसा देखा जाता है कि एक साल ज़्यादा फल लगता है और एक साल कम फल लगता है, ठीक है। तो दोस्तों, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको हर साल अच्छा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। इसमें ऑफ ईयर या ऑन ईयर का कोई सीन नहीं रहता है। पंजाब ब्यूटी नाशपाती की अगर टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट अच्छा मीठा रहता है और ये खाने में काफ़ी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, पंजाब ब्यूटी की जो नाशपाती की जो वैरायटी है, इसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया था, तो इसलिए टेस्टेड वैरायटी है गर्म क्षेत्रों के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ की अगर कमर्शियल, किसी भी क्रॉप की अगर कमर्शियल खेती करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इसके कुछ पौधे 10, 20, 50 पौधे ट्रायल के लिए लगाएं। उसमें अच्छे रिजल्ट आने के बाद ही आपके वातावरण में आप कमर्शियल के लिए जाएं, ना कि आप पहले ही साल लेकर के एक ही फर्स्ट टाइम ही एक एकड़ में पौधे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। किसान भाइयों, हमने आपको दिखाया कि पौधे लगाने से लेकर के अभी तक जो ग्रोथ है वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमने आपको बीच में एक स्टेज दिखाया था जहाँ पर कि पौधे के जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर थोड़े बहुत जो खरोच है वो आई हुई थी। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब भी पौधा लगाते हैं तो एक बार और फ्रेश कट लगा दें, ताकि ऊपर से जो भी कुछ फंगस वगैरह लगा रहेगा तो उसमें आपका जो पौधा है वो डिफेक्ट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पौधे लगाएं तो थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है उसको कट करके हटा दें, उसके बाद लगाएं। जो भी किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और उनको नहीं पता कि नाशपाती का पौधा कब लगाया जाता है, तो नाशपाती के पौधे का लगाने का सही समय दिसंबर जनवरी से फरवरी 15 तक है। इसी समय पर एप्पल, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये सारे पौधे इसी समय पर लगते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य फलदार पौधों के अपडेट के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।